हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपना उद्यम आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या फॉरगॉट हो चुका है तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। आप उसको रिट्राइव 5 मिनट में उसको रिट्राइव कर सकते हो और उस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जो भूल गए थे उसको कैसे रिट्राइव करोगे। सबसे पहले आपको आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर लॉगिन करना है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर टॉप साइड में राइट साइड के अंदर 3 लाइंस दिखेगी, उन लाइंस पे आपको क्लिक करना है। उसमें आपको प्रिंट सेक्शन में जाना है। प्रिंट सेक्शन के एकदम डाउनवर्ड में जो लास्ट सेक्शन होगी उसके अंदर होगा फॉरगॉट योर उद्यम नंबर। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो खुलेगी। उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी है, अगर आपका उद्योग आधार का नंबर है अगर वो हो गया है तो उस पर क्लिक कर दो, या उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उस पर क्लिक कर लो। फिर आपको ईमेल आईडी पूछेगा और आपको इस ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ठीक है, उस ओटीपी से आप वेरीफाई कर दोगे तो आपको आपका एंटरप्राइज का नाम और आपका उद्यम नंबर आ जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो प्रिंट निकालने के लिए क्या करने का, हमको वापस वही साइट पर जाना है, टॉप 3 लाइन में प्रिंट में जाना है। उधर लिखा हुआ होगा प्रिंट सर्टिफिकेट, अपने को उस प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना तो रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। दोनों पे ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी वेरीफाई करना है और आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन दोनों का प्रिंट निकाल सकते हो। तो इनिशियली ये इशू आया था काफ़ी लोगों को कि उद्यम नंबर भूल गए और उसको रिट्राइव नहीं कर पा रहे, तो अभी वो सेक्शन खोल दिए, आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रिट्राइव कर सकते हो। बहुत जल्द कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपना सर्टिफिकेट का प्रिंट हाथों हाथ निकाल सकते हो। सो यही मैसेज देना था मेरे को आपको इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इनकम टैक्स से रिलेटेड और GST से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई कैन हेल्प यू इन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।